नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता देख एक्शन में आई सरकार। डॉक्टर के सामने नहीं झुकी सरकार तो लचर हो सकती है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। 12,495 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। बालू खनन को लेकर बिहार सरकार ने की बड़ी तैयारी। कई जिलों का लुढ़का पारा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 12,495 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। बिहार में शिक्षक बहाली का रास्ता जल्द ही साफ होने वाला है, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव के समाप्ति के बाद अब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के नियोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। अगर सब कुछ सही रहा तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में सूबे के 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए तैयारी तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव और शपथ 3 जनवरी तक होने के बाद काउंसलिंग कराई जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि नया स्केड्यूल सोमवार को जारी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 14 से 22 दिसंबर तक काउंसलिंग के लिए स्केड्यूल जारी किया था। 14 दिसंबर तक पंचायत चुनाव पूरा हो गया था। बालू खनन को लेकर बिहार सरकार ने की बड़ी तैयारी। बालू खनन को लेकर बिहार सरकार ने अब बड़ी तैयारी कर ली है, जिसके तहत अब जल्द ही बिहार के 29 जिलों में बालू खनन का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग की माने तो बिहार में पहले भी 29 जिलों में बालू खनन का काम होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई जिलों में बालू खनन का काम बंद कर दिया गया था। अभी सिर्फ 16 जिले ऐसे हैं जहां बालू खनन का काम किया जाता है, जबकि 13 जिलों में खनन का काम बंद है। प्रदेश में राजस्व का सबसे बड़ा जरिया बन चुके बालू खनन को लेकर बताया गया है कि 2 साल पहले तक 24 जिलों में बालू खनन हो रहा था, अब सिमटकर 1/3 जिले में रह गया है, जिसको अब बढ़ाने की पहल की जा रही है। नीतीश कुमार ने अपने जनता दरबार में सुनी फरियादियों की फरियाद। आज सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में एक बार फिर से फरियादियों की फरियाद सुनी। ऐसे में इस दौरान ऐसे फरियादी भी आए जिसके घर पहले ही मुख्यमंत्री खुद गए थे, लेकिन उसका भी भुगतान से संबंधित एक मामला 28 सालों से लटका है। इस दौरान गोपालगंज से आए एक फरियादी ने बताया कि पिछले 28 सालों से उसका भुगतान लंबित है। सर्किट हाउस की मरम्मति का काम 1998 में उसके पिता ने कराया था। बाद में विभाग ने भुगतान लटका दिया तो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी आज तक भुगतान नहीं हुआ है। 2014 में उसके पिता की जान जाने के बाद सीएम भी उनके घर गए थे। मुख्यमंत्री ने इस पर ताज्जुब जताया और संबंधित विभाग को मामले को देखने का निर्देश दिया है। कई जिलों का लुढ़का पारा। बिहार में ठंड का सितम लगातार जारी है। भले ही ठंड का आगमन बिहार में इस बार देरी से हुआ हो, लेकिन अब लोगों को कपकपाने वाली ठंड का एहसास होने लगा है। बिहार में बीते कुछ दिनों से चल रही पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। पटना मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ की गति में तेजी आने से राजधानी पटना समेत प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पटना का न्यूनतम तापमान रविवार को 6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। बताया जाता है कि शनिवार को 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो रविवार को गिरकर 7.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री गिरकर 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि बिहार में लगातार बढ़ती ठंड से अब बचाव के लिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां के तापमान अब काफी गिरावट आई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई करने का मद्य निषेध विभाग दे रहा मौका। बिहार के शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है। यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब मद्य निषेध विभाग ने ऐसे शराबियों को पकड़ने के लिए नई तरकीब निकाली है, जिसके तहत शराब के धंधेबाजों पर निगरानी के लिए मद्य निषेध विभाग ने नई भर्ती करने का फैसला लिया है। विभाग ने मद्य निषेध सिपाही के 365 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। वहीं इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 18 जनवरी 2022 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी csbc.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि इन पदों के लिए मद्य निषेध सिपाही के लिए जरूरी योग्यता में मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है, यानी कि अब 12वीं पास युवाओं के पास नौकरी का शानदार मौका है। डॉक्टरों के सामने नहीं झुकी सरकार तो लचर हो सकती है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब आज से सभी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जूनियर डॉक्टर अगर सेवा से दूर रहते हैं तो इससे मरीजों को भारी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन्हें ओपीडी के साथ इमरजेंसी और सर्जरी में भी योगदान नहीं देने की बात कही है। ज्ञात हो कि इन सभी चिकित्सकों की मांग है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घोषित प्रोत्साहन राशि जूनियर डॉक्टर और इंटर्न को भुगतान करना, इंटर्न छात्रों के स्टाइपेंड को तुरंत 15 से बढ़ाकर 24,000 करना, हायर कोर्स में जाने वालों को सरकारी अस्पताल में 1 साल काम करने के बॉन्ड से मुक्त किया जाए या स्टडी लीव दिया जाए, साथ ही बॉन्ड के तहत सभी को समान पद पर पदस्थापित किया जाए। इसी तरह नीट पीजी काउंसलिंग जल्द हो, जिसके लिए बिहार सरकार केंद्र से बात करे। अंतिम मांग नीट पीजी में देरी से उत्पन्न डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नॉन एकेडमिक जूनियर
रेजिडेंट की बहाली की जाए। बिहार झारखंड में पेंशन को लेकर फंसा विवाद, पेंशन दायित्वों के बंटवारे को लेकर झारखंड की पहल को देखते हुए बिहार सरकार और झारखंड सरकार के बीच में फिर से तकरार शुरू हो गई है। साल 2018-19 से लेकर साल 2020-21 तक के 3 वित्तीय वर्षों में बिहार को एक पाई भी नहीं मिली है। इसको लेकर ही बिहार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को कड़ा पत्र जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार को पेंशन मद के बकाए का जल्द ही भुगतान करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने लिखा है कि बार बार अनुरोध के बाद भी झारखंड सरकार की तरफ से पेंशन दायित्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया है कि केंद्रीय गृह सचिव की मध्यस्थता में यह फैसला हुआ था कि पेंशन दायित्व की गणना महालेखाकार की तरफ से की जाएगी। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों के बीच बिहार को बड़ी राहत, देश भर के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद बिहार में भी ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच बिहारवासियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बिहार से कुल मिलाकर 31 सैंपल को ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है और बताया है कि NCDC दिल्ली से अभी 31 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उनके सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट का ही अंश पाया गया है। हालांकि बिहार में कोरोना मामले में उतार चढ़ाव जारी है। बिहार के हर जिले में अस्पताल खोलेगा IMA। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जल्द ही बिहार के सभी जिलों में अस्पताल खोलने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर IMA अब सभी सदस्य चिकित्सकों को प्रेरित करेगा और उन अस्पतालों की ब्रांडिंग भी करेगा। इसके साथ ही कोई चिकित्सक अपने अस्पताल में IMA के निर्धारित मानक के अनुसार साफ सफाई, चिकित्सकों और कर्मियों की तैनाती करेगा या अपने अस्पताल के कुछ बेड को गरीब मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित करेगा तो उसकी भी ब्रांडिंग होगी। IMA के राष्ट्रीय निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि IMA के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस पर विमर्श किया जाएगा। श्री सिंह ने रविवार को IMA भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि इस पूरे कार्यक्रम में कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता देख एक्शन में आई सरकार। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश स्तर पर बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट की सक्रियता पर रखने का फैसला किया है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ जिला और अनुमंडल अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था सही प्रकार से काम करे, इसके लिए जिलों को निर्देश दे दिया गया है कि वो PSA जनरेशन प्लांट का 3 महीने में एक बार मॉक ड्रिल जरूर करवाए और प्लांट की सक्रियता की जानकारी गूगल फॉर्म में केंद्र सरकार को मुहैया करवाए। केंद्र के इस आदेश के बाद ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था पर रखने को स्वास्थ्य विभाग ने 23 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ जिला और अनुमंडल अस्पतालों में पहली मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। CBSE ने बनाई इंजीनियरों की टीम। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को सुचारू रूप से और सही तरीके से करवाए जाए, इसको लेकर CBSE ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र समय से हर कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सके, इसको लेकर इंजीनियरों की टीम बनाई गई है। यह टीम परीक्षा के समय सर्वर के पास रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा शुरू होने से पहले सर्वर की जांच की जाएगी। इसको लेकर ट्रायल का काम भी शुरू हो जाएगा। ट्रायल के दौरान उन परीक्षा केंद्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जहां पर सर्वर कमजोर होने से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में परेशानी आ रही हो। सबसे खास बात यह है कि अब CBSE हर एक केंद्र पर अपनी नजर रखने वाली है। ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद मांझी ने मांगी माफी। हम पार्टी के मुखिया जीतनराम मांझी अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कुछ समय पहले ही ब्राह्मणों को गाली देने का काम किया था, जिसके बाद से ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया था और मांझी सबके निशाने पर थे, जिसके बाद ही मांझी ने माफी मांगने का काम किया है। इसको लेकर मांझी ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि जिस शब्द पर आपत्ति जाहिर की जा रही है वो हमने अपने समाज के लोगों के लिए कहा था, ना कि किसी अन्य जाति के लोगों के लिए, लेकिन अगर इसमें गलतफहमी हो गई है तो हम माफी चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हमने अपने समाज से कहा था कि आस्था के नाम पर आज करोड़ों लुटाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों की भलाई के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। विशेष राज्य की मांग को लेकर जदयू ने चलाया विशेष अभियान। विशेष राज्य की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर जदयू ने विशेष अभियान का आगाज कर दिया है। इसको लेकर पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान स्लोगन भी चला रहे हैं। आलम कुछ यूं है कि पार्टी के प्रवक्ता चाहे विशेष राज्य का मुद्दा हो या फिर बिहार में हो रहे विकास कार्य और शराबबंदी को लेकर पूरे प्रयास, इन सबको अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर करने में लगे हुए हैं। पार्टी की तरफ से विशेष तौर पर ग्राफ भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसको लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमने इसके लिए कोई एजेंसी को हायर नहीं किया है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही हमारी सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम किया है और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसे सक्रियता से सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हम लोगों का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने नए साल के लिए परीक्षा कैलेंडर किया जारी।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने नए साल के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। एसएससी ने 2021-22 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें एसएससी ने एमटीएस, सीजेएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, एसएससी, जीडी कांस्टेबल सिलेक्शन पोस्ट समेत तमाम भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच निकालने की बात कही है। उम्मीदवार परीक्षाओं से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसके तहत एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन 10 मई 2022 को जारी होगा। सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को जारी होगा। वहीं एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल भर्ती परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन 22 मार्च को जारी होगा। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं की जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने दिया खास सम्मान। भारत के प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम की जीत में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में कंगारुओं के खिलाफ उनके प्रदर्शन को भला कौन भूल सकता है, जब टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी। पंत इसके अलावा समय समय पर लोगों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहते। उनके इस योगदान और बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है और राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आयुष झा, आशुतोष सिंह, मूड ऑफ ऑफिशियल, सौरभ मिश्रा, कुमार धर्मेंद्र रॉय, रवि कुमार, पीयूष केमिंग शिवम, सोम बंशी, नुनु कुमार, रोहित कुमार, आनंद कुमार यादव, काजल पंडित, नवीन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।